आज का हमारा चैप्टर है ग्रैंडपा फाइट्स एन ऑस्ट्रिच। तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी इसके एक्सप्लेनेशन जो है चैप्टर की वो मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर दे चुका हूँ। अगर आपके पास वो वीडियो नहीं है तो इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे देता हूँ। और अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रैंडपा फाइट्स एन ऑस्ट्रिच के क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स स्टार्ट। तो पहला बच्चों टॉपिक जो है हमारे पास वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है द स्पीकर एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट वांट्स टू टेल अस अबाउट। किस बारे में बताना चाहता है स्पीकर हमें? हिज ग्रैंडफादर्स जॉब इन द इंडियन रेलवे, हिज ग्रैंडफादर्स जॉब इन द ईस्ट अफ्रीकन रेलवे, या फिर हिज ग्रैंडफादर्स एनकाउंटर विद एन ऑस्ट्रिच। तो सीधी सी बात है, चैप्टर का नाम ही है हमारा ग्रैंडपा फाइट्स एन ऑस्ट्रिच। तो ऑब्वियसली हम ऑस्ट्रिच के बारे में ही इस चैप्टर में जानेंगे। तो यही हमारा सही आंसर है। ग्रैंडपा डिसाइडेड टू वॉक टू वर्क बिकॉज। ग्रैंडपा पैदल क्यों जाना चाहते थे? ही वॉन्टेड टू विजिट द ऑस्ट्रिच कैंप, ही वॉन्टेड टू टेक हिज डॉग ऑन अ लॉन्ग वॉक, या फिर हिज हॉर्स हैड अ स्मॉल एक्सीडेंट। तो यहाँ तीनों की अगर बात की जाए तो उनका जो घोड़ा था उसका एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से वो पैदल जाना चाहते थे। ग्रैंडपा फेल्ट क्वाइट सेफ बिकॉज। ग्रैंडपा काफ़ी सेफ फील कर रहे थे। ऐसा क्यों, ऐसा क्या था उनके साथ कि जिससे उनको काफ़ी सेफ्टी महसूस हो रही थी? पहला ऑप्शन है हिज डॉग वुड कीप द ऑस्ट्रिचेस अवे, या फिर ही न्यू हाउ टू अवॉइड द ऑस्ट्रिचेस, या थर्ड ऑप्शन ही न्यू हाउ टू डील विद एन एंग्री ऑस्ट्रिचेस। अब यहाँ पर तीनों ऑप्शन हैं, तो उनको अवॉइड करना तो आता नहीं था, ना ही उनको उनसे डील करना आता था। तो यहाँ पर सीधा सा जवाब है उनका डॉग जो उनके साथ था। डॉग जो होते हैं ये काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद रहते हैं ऐसी सिचुएशंस के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन है द ऑस्ट्रिच चेज्ड ग्रैंडपा एंड ट्राइड टू। ऑस्ट्रिच ने ग्रैंडपा का पीछा किया और क्या कोशिश की? पैक हिम विद हिज लार्ज बीक, किक हिम विद ग्रेट फोर्स, या पिक हिम अप एंड थ्रो हिम। तो इनमें से सही आंसर है किक हिम विद ग्रेट फोर्स, कि बहुत तेज़ी से, बहुत ही तेज़ फोर्स से, ज़ोर से उसको किक लगाना चाहते थे वो। ऑस्ट्रिच चाहता था दादाजी को। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रैंडपा फेल ऑन द ग्राउंड बिकॉज। ग्रैंडपा जो थे वो ज़मीन पे गिर गए। क्यों गिर गए? द ऑस्ट्रिच ड्रॉप्ड हिम इन अ फ्राइट। ऑस्ट्रिच ने उनको गिरा दिया था। ही लॉस्ट हिज ग्रिप ऑन द ऑस्ट्रिच विंग, या फिर उन्होंने उसके विंग को पकड़ा हुआ था तो वहाँ से उनकी ग्रिप छूट गई, या फिर ऑस्ट्रिच शुक हिम ऑफ इन अ रेज। ऑस्ट्रिच ने गुस्से में आकर उनको गिरा दिया। तो हमने देखा था कि कैसे वो उनका ऑस्ट्रिच का जो पंख था वो पकड़कर वो घूम रहे थे गोल गोल। तो ऑस्ट्रिच गोल गोल घूम रहा था तो इस कारण से उनकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई और वो गिर पड़े। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा द ऑस्ट्रिच रैन अवे बिकॉज। ऑस्ट्रिच क्यों दौड़कर चला गया, भाग गया मतलब? इट वॉज अफ्रेड ऑफ ग्रैंडपास डॉग, इट न्यू इट कुड नॉट विन द फाइट, इट वॉज टायर्ड एंड अफ्रेड। तो पहले से सीधी सी बात है, ना ही वो थका हुआ था और डरा हुआ था, दादाजी से नहीं डर रहा था वो, इवन वो तो उनको मारने के लिए पीछे दौड़ रहा था, और ना ही वो ऐसा समझ रहा था कि वो लड़ाई में दादाजी से नहीं जीत पाएगा। तो मेन जो रीज़न था उसका वो था ग्रैंडपा का डॉग। उस डॉग को देखकर वो भाग गया, क्योंकि कुत्तों से अक्सर बड़े छोटे हर तरह के जानवर डरते हैं, क्योंकि कुत्ते जब भौंकते हैं तो जानवर एक बार घबरा जाते हैं। नाउ रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। अब इन लाइन्स को रीड करना है और आंसर देना है क्वेश्चन का। फर्स्ट लाइन जो है, कीपिंग अ गुड लुक आउट आई रैन अक्रॉस द ओपन स्पेसेस बिटवीन द थॉर्न बुशेस। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, वॉज ग्रैंडपा अफ्रेड ऑफ द ऑस्ट्रिचेस, हाउ डू यू नो। क्या ग्रैंडपा ऑस्ट्रिचेस से डरते थे, आपको कैसे पता लगता है? Grandpa was afraid of the ostriches. He kept a good look out for ostriches when on the farm. हमें पता लगता है कि वो डरते थे ostriches से। क्यों? क्योंकि जब वो फार्म पे होते थे तो ostriches के का बहुत ध्यान रखते थे, यानी कि उनका ध्यान वैसे नहीं रखते थे लेकिन वो ध्यान रखते थे कि कहीं से कोई ostrich आ तो नहीं रहा। He ran across open spaces between thorn bushes and was trying to be careful so that an ostrich would not spot him. वो घनी कंटीली झाड़ियों के अंदर से होकर गुजर रहे थे और वो इस प्रकार से गुजर रहे थे काफ़ी केयरफुली कि कहीं कोई ऑस्ट्रिच उनको देख ना ले, क्योंकि ऑस्ट्रिच देख लेगा तो उनके पीछे पड़ जाएगा, इसलिए वो
छुपते छुपाते झाड़ियों में से होते हुए गुजर रहे थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, वॉट इज द मूड इन द टेक्स्ट एट दिस पॉइंट। अब जो सेंटेंस हमने पीछे पीछे पढ़ा, जिसको पढ़ के मैं आंसर देना, इस समय मूड किस प्रकार का है। द मूड इज ह्यूमरस एंड स्कैरी एट द सेम टाइम। उस समय मूड जो है ह्यूमरस, काफ़ी मजाकिया भी लग रहा है और स्कैरी डरावना भी लग रहा है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रैंडपा रनिंग अक्रॉस ओपन स्पेस इज फनी। ग्रैंडपा जो थे वो ओपन स्पेसिस के अंदर छुपते छुपाते भाग रहे थे, काफ़ी फनी लग रहा था। एट द सेम टाइम द रीडर एंटिसिपेट्स दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन विद द ऑस्ट्रिचेस। और जब वहाँ से गुजर रहे थे तो रीडर, यानी कि हमें ये भी पता लगता है कि वो छुपते छुपाते जा रहे हैं, तो अभी ज़रूर कुछ होने वाला है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था वो। आगे देखते हैं, आई डोंट नो हाउ बट आई फाउंड माई सेल्फ होल्डिंग ऑन टू वन ऑफ द क्रिएचर्स विंग्स। इट वॉज नाउ द ऑस्ट्रिच टर्न टू बी फ्राइटेंड। ही बिगिन टू टर्न मूविंग राउंड एंड राउंड सो क्विकली दैट माई फीट वॉज सून स्विंगिंग आउट फ्रॉम हिज बॉडी। अब यहाँ पर हमने रीड किया, अब इसके आंसर देने नीचे हमको, तो आंसर क्या है पहला, वॉट डिड द बर्ड, वाई डिड द बर्ड गेट फ्राइटेंड। बर्ड जो था वो डर क्यों गया। ग्रैंडपा कॉट होल्ड ऑफ वन ऑफ द ऑस्ट्रिच विंग्स, दिस मेड द ऑस्ट्रिच फ्राइटेंड। ग्रैंडपा जो थे उन्होंने ऑस्ट्रिच के एक पंख पकड़ लिया था, उस पंख को पकड़ने के कारण ऑस्ट्रिच जो था वो घबरा गया था काफ़ी। What happened to Grandpa when the bird began turning round and round? जब बर्ड जो था एक पंख पे वो लटक गए तो बर्ड गोल गोल घूमने लगा, इससे Grandpa का क्या हुआ। The bird began to turn round and round so quickly that Grandpa was soon swept off his feet and his feet were swinging out from the ostrich's body. बर्ड जो था वो गोल गोल घूमने लगा और वो इतनी तेज़ी से घूमने लगा कि Grandpa के जो पैर थे वो ज़मीन को छोड़कर हवा में आ गए। अब उनके पैर जो थे हवा में लहरा रहे थे और ऑस्ट्रिच की बॉडी से बाहर, यानी कि वो पहले तो उसको पकड़ के लटक गए थे, लेकिन अगर वो गोल गोल घूम रहा है तो उनके पैर भी ज़मीन से उठकर गोल गोल हवा में लहराने लगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है, व्हाट हैपेंस राइट आफ्टर ग्रैंडपा एंटर्स द कैंप। ग्रैंडपा जब एंटर होते हैं उस कैंप के अंदर, उसके बाद तुरंत बाद क्या होता है। Grandpa wanted to go across the camp as fast as possible. Grandpa जल्दी से जल्दी उसके पार जाना चाहते थे कैंप के। So keeps a watch on the whereabouts of the birds and sees them feeding some distance away. अब वो जल्दी जल्दी वहाँ से गुजरना चाहते थे उस कैंप से, और इसी कारण से वो बर्ड्स जो थे उनके ऊपर नज़र रखे हुए थे, जो कि थोड़ी ही दूरी पर कुछ खाते नज़र आ रहे थे। He runs across open spaces between the bushes. वो झाड़ियों में से होते हुए तेज़ी से गुजर रहे थे वहाँ से। Suddenly Grandpa's dog spotted a hare. स्टार्ट चेजिंग इट। तभी अचानक से ग्रैंडपा का जो डॉग था उसको एक हेयर, एक खरगोश दिखा और वो उसको उसका पीछा करता हुआ उसके पीछे दौड़ने लगा। इट द बार्किंग ऑफ द डॉग एंड ग्रैंडपा शाउटिंग अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द अदर बर्ड्स एंड दे स्टार्ट रनिंग टू एंड दे स्टार्ट रनिंग टू एंड फ्रो। अब जो कुत्ते का भौंकना था, कुत्ता अक्सर आपको पता ही, कुत्ता जब किसी जानवर को देखता है तो वो तो उसके पीछे भागते हुए दौड़ते हुए भौंकता ही है। तो यहाँ पर कुत्ता जो था वो भौंकते हुए उनके पीछे दौड़ने लगा और ग्रैंडपा जो थे वो उस कुत्ते को बुलाने लगे, उनको आवाज़ देने लगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, डोंट गो। तो ऐसे में बर्ड्स को ये आवाज़ सुनाई दी और बर्ड्स जो थे उनमें अफरा तफरी मच गई, वो टू एंड फ्रो यानी कि आगे पीछे दौड़ने लगे। अ मेल ऑस्ट्रिच स्टेयर्स एट ग्रैंडपा एंड चार्जेस एट हिम लिफ्टिंग हिज शॉर्ट विंग्स एंड होल्डिंग हिज टेल इरेक्ट। एक मेल ऑस्ट्रिच जो था उसने ग्रैंडपा को स्पॉट किया, उनको घूरने लगा और फिर उनकी तरफ दौड़ लगाने लगा। वो उसने अपने पंख जो थे, छोटे छोटे विंग्स होते हैं इनके, वो हवा में उठा लिए और पूंछ जो थी एकदम सीधी कर ली, खड़ी कर ली और वो दादाजी के पीछे भागने लगा। हाउ डिड ग्रैंडपा एंड अप इन अ क्लंप ऑफ बुशेस। ग्रैंडपा जो थे झाड़ियों में जाकर कैसे गिर गए या छुप गए या बच गए बोल सकते हो। ग्रैंडपा स्टार्टेड रनिंग एट फुल स्पीड। ग्रैंडपा तेजी से भागने लगे बट ही कुड नॉट मैच द ऑस्ट्रिच स्ट्राइड्स एंड इट वॉज कैचिंग अप। और वो जितनी भी तेज़ी से भागे, लेकिन एक ऑस्ट्रिच जो कि बहुत बड़ा प्राणी होता है, उसके पैर बहुत लंबे लंबे होते हैं, उसकी दौड़ के आगे तो दादाजी टिक ही नहीं पा रहे थे, यानी कि जल्द ही वो उनको पकड़ लेगा। ऐसे में ग्रैंडपा वॉन्टेड टू गेट बिहाइंड अ लार्ज बुश ओनली टू हाइड फ्रॉम द बर्ड। तो ऐसे में जो ग्रैंडपा थे उन्होंने एक झाड़ियों का झुरमुट सा देखा, और बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं झुंड सा बना होता है, वहाँ पर जाकर अपने आप को छुपाने की कोशिश की। ग्रैंडपा रश्ड forward and ended up in a
क्लंप ऑफ थॉर्न बुशेस। ग्रैंडपा तेजी से आगे बढ़ने लगे और एक कांटेदार झाड़ियों के अंदर जाकर छुप गए बोल सकते हैं, या फंस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब हाउ ग्रैंडपा एंडेड अप ऑन द ग्राउंड एंड व्हाट द ऑस्ट्रिच डिड नेक्स्ट। ग्रैंडपा के साथ आगे क्या हुआ ग्राउंड पे और ऑस्ट्रिच ने क्या किया। द ग्रेट बर्ड स्टार्टेड चेजिंग ग्रैंडपा एंड वाज सून अपॉन हिम। बर्ड जो था, माइटी बर्ड जो था, वो ग्रैंडपा को फॉलो कर रहा था, चेज कर रहा था और जल्दी उन्होंने ऑस्ट्रिच ने उनको पकड़ लिया। ग्रैंडपा स्ट्रगल्ड फ्रेंटिकली टू अवॉइड द डेडली किक्स ऑफ द ऑस्ट्रिच। ग्रैंडपा जो थे वो बड़ी बुरी तरीके से मशक्कत कर रहे थे, बड़ा ही मतलब स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप को ऑस्ट्रिच की तेज तरार किक से बचाने के लिए। ग्रैंडपा स्टार्टेड सर्कलिंग अ बुश इन ऑर्डर टू एस्केप इट। ग्रैंडपा जो थे एक बुश के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे ताकि वो उससे बच सकें। ही कॉट होल्ड ऑफ द बर्ड्स विंग्स एंड एज द बर्ड टर्न्ड ही वाज स्वंग अराउंड। अब इसी दौरान दादाजी का जो पकड़ थी वो ऑस्ट्रिच के एक पंख पे बन गई और ऑस्ट्रिच गोल गोल घूमने लगा अपने आप को बचाने के लिए, और ऐसे में दादाजी जो थे वो हवा में घूमने लगे उसके साथ साथ। द बर्ड वॉज फ्राइटेंड एंड सडनली रिवर्स्ड इज मोशन। बर्ड जो था वो डर गया था और अपना मोशन उसने रिवर्स यानी कि उल्टा घूमने लगा। दिस अनएक्सपेक्टेड मूव मेड हिम लूज हिज होल्ड एंड ग्रैंडपा एंड्स अप ऑन द ग्राउंड। अब जब आपको पता है कि वो इस तरह से घूम रहा है, चलो इस तरफ ठीक है, जब वो इस तरफ घूम रहा है तो हमारी पकड़ जो है वो मजबूत थी, लेकिन जब वो उल्टा घूमने लगा यानी कि उसने अपनी डायरेक्शन बदली, तो डायरेक्शन बदलते ही पकड़ थोड़ी कमज़ोर हो गई और ग्रैंडपा ज़मीन पर आ गिरे। हाउ डज ग्रैंडपा फाइनली एस्केप फ्रॉम द ऑस्ट्रिच एंड लीव द कैंप। तो किस प्रकार से फाइनली उन्होंने ऑस्ट्रिच से छुटकारा पाया और कैंप से वो चले गए। आफ्टर ग्रैंडपा फेल ऑन द ग्राउंड द ऑस्ट्रिच केम अप टू ग्रैंडपा टू स्ट्राइक हिम। जैसे ग्रैंडपा ज़मीन पे गिरे तो ऑस्ट्रिच उनके पास आया उनको मारने के लिए, अपनी चोंच से उन पर हमला करने के लिए। इट वॉज रेडी टू डिलीवर वन ऑफ इट्स डेडली किक्स। वो एक अपनी जानलेवा किक मारने ही वाला था। सडनली अचानक समथिंग फ्राइटेंड द ऑस्ट्रिच एंड इट टर्न्ड इट्स हेड शार्पली टू द लेफ्ट। तभी अचानक किसी चीज़ ने ऑस्ट्रिच को डरा दिया और ऑस्ट्रिच ने अपना सर जो था वो शार्पली लेफ्ट साइड घुमाया। सून इट जंप बैक एंड रन ऑफ एज फास्ट एज इट कुड। जल्द ही वो बड़ी तेज़ी से ऑस्ट्रिच कूदा और बड़ी तेज़ी से भाग गया। ग्रैंडपा वंडर्ड व्हाट हैड कॉज्ड दिस रिट्रीट। ग्रैंडपा ये समझ ही नहीं पाए कि किस वजह से ऑस्ट्रिच पीछे हट गया, यानी वो तो मारने वाला था उनको, लेकिन वो क्या हुआ ऐसा अचानक से कि वो भाग गया। इट वॉज ग्रैंडपाज डॉग हु हैड कम टू हिज रेस्क्यू। एक्चुअल में ग्रैंडपा का जो डॉग था, जो हैर के पीछे, जो खरगोश के पीछे भागा था, अब वो वापस आ चुका था। इसी कारण से जो ऑस्ट्रिच था, जब उसने देखा उस कुत्ते को, उस डॉग को, तो ऑस्ट्रिच वहाँ से दुम दबा के भाग गया। What kind of man was Grandpa? Describe him using examples from the text. Grandpa किस तरह के व्यक्ति थे, हमें टेक्स्ट में से यानी कि चैप्टर में से कुछ एग्जाम्पल्स पेश करने हैं। Grandpa loves to walk. यहाँ पर पता लगता है कि Grandpa को चलना बहुत अच्छा लगता था। Is ready to walk to work as his horse had a small accident. वो काफ़ी दूरी पे उनका काम करते थे, मतलब उनका जो ऑफिस वगैरह जो था वो काफ़ी दूर था, लेकिन फिर भी उनके घोड़े को चोट लगने की वजह से वो पैदल भी काम पर जाने को तैयार है, यानी कि वो बहुत ही मेहनती थे हम कह सकते हैं। ही इज़ अफ्रेड ऑफ द ऑस्ट्रिचेज एंड टेक्स हिज डॉग अलॉन्ग फॉर सेफ्टी। अब ये भी पता लगता है कि वो ऑस्ट्रिच से डरते हैं और अपने कुत्ते को साथ ले जाते हैं सेफ्टी के लिए। एट द सेम टाइम ग्रैंडपा इज ब्रेव इनफ टू फाइट द गिजांटिक मेल ऑस्ट्रिच। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि वो बहुत बहादुर भी हैं, क्योंकि इतने बड़े जायंट जो मेल ऑस्ट्रिच था उससे उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। ही गेट्स चेस्ड एंड थ्रेटन्ड बट डज नॉट गिव अप। उनका पीछा किया गया ऑस्ट्रिच के द्वारा, उनको डराया गया, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया यानी कि हार नहीं मानी। ही इज ऑल्सो अवेयर ऑफ द मैनरिजम्स ऑफ ऑस्ट्रिचेस। ही यूजेस इंटेलिजेंस टू गेट होल्ड ऑफ द ऑस्ट्रिच विंग्स। हमें यह भी पता लगता है कि ऑस्ट्रिचेस के बारे में उनको काफ़ी जानकारी भी है, इसीलिए अपनी बुद्धि से उन्होंने ऑस्ट्रिच के एक विंग को पकड़ लिया। सो दैट ही कुड डिफीट इट। उनको पता था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो ऑस्ट्रिच को हार माननी पड़ेगी। ग्रैंडपा इज ग्रेटफुल टू हिज पेट डॉग व्हेन इट सेव्स हिज लाइफ फ्रॉम द डेडली किक ऑफ द ऑस्ट्रिच। और हमने यहाँ पर यह भी देखा लास्ट में कि डॉग जो था, जैसे उसने दादाजी की जान बचाई, तो दादाजी उसके ग्रेटफुल भी हैं क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी।
तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।